कड़ाके की पड़ी ठंड के कारण छोटे बच्चों पर इसका सबसे अधिक असर देखा जा रहा है। बोकारो सदर अस्पताल में इन दिनों बीमार बच्चों की संख्या बढ़ गई है, जिन्हें दिखाने के लिए उनके माता पिता लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चों में सर्दी खांसी सहित अन्य लक्षण देखे जा रहे हैं। चिकित्सक भी घर वालों को बच्चों को ठंड से बचाने की सलाह दे रहे हैं। बोकारो सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज भूषण ने बताया कि ठंड बढ़ने से बच्चों में सांस लेने की बीमारी सबसे अधिक है। बच्चे रात के समय ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों में सर्दी खांसी और बुखार सबसे अधिक देखा जा रहा है। क्या हुआ है? बच्चे तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। बच्चे हो चाहे घर में, तो सब आदमी बहुत बीमार पड़े हैं। सबका एक दूसरे का जा रहा है, खांसी सर्दी। ठंडा बढ़ा है इसलिए परेशानी, बच्चा का सर्दी खांसी बच्चा का रहता ही है। वो थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चा जितना छोटा रहता है उसको अधिक बुखार जल्दी पकड़ता है। सीजन है बोकारो में, ये बढ़ती ठंड के कारण बच्चों में बहुत सारे सर्दी खांसी बुखार की समस्या आ जा रही है। लगातार ठंड के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं और ये मौसमी बीमारी अभी काफ़ी ज़ोरों से बच्चों में फैली हुई है। बच्चे तो बहुत